नमस्कार, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं सैवरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के थ्रू कैसे कोई भी मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अपने मोबाइल पर और चलते हैं, देखते हैं प्रोसेस क्या है। सिंपली आपको क्रोम में जाना है या फिर आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसमें आपको जाना है और जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है मूवी फ्लिक्स को डॉट इन। ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ये वाली वेबसाइट अपना ओपन हो गई और movieverse.com। इस पर हम जाते हैं थोड़ी सी नीचे और यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हैं बहुत सारी यहाँ पे मूवीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। किसी पर भी एक क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे यदि हम इसको स्क्रॉल करके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी कितनी पर स्टार है ये भी रेटिंग है इसकी दिखाई दे रही है और इसकी लैंग्वेज यहाँ पे शो हो जा रही है, सबटाइटल्स है या नहीं और यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी आपको शो हो जा रही है, फॉर्मेट शो हो जा रही है। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाती है, स्क्रीनशॉट्स इसके आप देख सकते हैं और यहाँ पे क्वालिटी जिस क्वालिटी में आपको डाउनलोड करना है उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए मैं 720p में डाउनलोड करता हूँ। ओके, मैं फर्स्ट सर्वर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारे टैब्स ओपन होते जाते हैं, उन टैब्स को आपको क्लोज करते जाना है। यहाँ पे एक टैब ओपन हो गई है, इसको क्लोज कीजिए और फिर दोबारा क्लिक करते हैं अपन। क्लिक टू वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्लीज वेट लिख रहा है, आपको वेट कर लेना है और थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्लिक टू जनरेट लिंक पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे वेट करने का बोल रहे हैं। गेट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, फिर देखिए यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं, डिटेल्स पे जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए रिडेम्पशन डे 2021 ये डाउनलोडिंग हो गया है, शुरू हो गया है और थोड़ी सी नेट स्लो है अभी इसलिए इतना वक्त लग रहा है, नहीं तो एकदम फास्ट डाउनलोडिंग होता है। तो सिंपली आप इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आ गई होगी और अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि यदि आप लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप के थ्रू वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो भी डोमेन है जैसे कि .in.net या फिर .co.in है, तो इन सभी को आप कौन कौन से ऐसे डोमेन है जो कि अभी राइट नाउ एक्टिव है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे डोमेन होते हैं कि दो चार महीने रहेंगे फिर से वो डोमेन हट जाते हैं। ठीक है, मूवी फ्लिक्स की जो भी डोमेन होते हैं, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से अभी के समय एक्टिव में है डोमेन
और फिर हम आगे आप स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप डेस्कटॉप के थ्रू कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए शुरू से अंत तक, आपको सब कुछ पता चलेगा। ओके, फाइनली हम लोग अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में आ गए हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मूवी फ्लिक्स, सर्च करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स खुली हुई है, movieflix.in.net और भी बहुत सारी हैं। तो चलिए हम लोग इसी पे क्लिक करते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी है, movieflix.io, movieflix.dev, तो बहुत सारी है। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं और फर्स्ट वाली हम लोग जो वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं। जो मूवीफ्लिक्स की ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल चुकी है और शायद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे मूवीज़ शो हो रहे हैं और ये अभी हॉलीवुड मूवीज़ है। आप चाहे तो बॉलीवुड भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ बॉलीवुड चेंज कर सकते हैं। बट आइए सबसे पहले हम चलते हैं, एक कोई मूवी डाउनलोड करते हैं। इस वाली मूवी हम लोग क्लिक करते हैं और बहुत सारे यहाँ पर टैब्स ओपन होते जाते हैं, एड्स बहुत ज़्यादा शो होते हैं, इसलिए तो आपको उस टैब्स को हटाते जाना है, क्लोज करते जाना है। और देखिए अभी ये खुल रहा है और शायद देख पा रहे हैं ये मूवी खुल गई है। और थोड़ी सी नीचे में हम लोग स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे इसमें इन्फॉर्मेशन में। और यहाँ पे स्टार 6.5 है और यहाँ पे फुल नेम, इस मूवी का नाम यहाँ पर दे रखा है, लैंग्वेज, इसकी साइज़, इसकी क्वालिटी एंड फॉर्मेट, तो हर चीज़ यहाँ पे दे रखी है इसकी इन्फॉर्मेशन। नीचे यदि आते हैं तो स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे क्वालिटी की किस क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं अभी 480 में ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ और 480 में डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देखिए टैब्स ओपन होते जाते हैं, आप डोंट वरी, ये वाली जो टैब्स हैं कोई कोई टैब्स उन लोगों को क्लोज करना होता है क्योंकि सिर्फ वो एड्स ही होते हैं। बट ये क्वाइन क्विंट है, इस पे यदि आप शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डाउनलोड सर्वर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे 10 सेकेंड्स रुकने को बोल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लिंक जनरेट हो जाएगी, तो हम लोग वेट करते हैं 10 सेकेंड की। ओके, तो यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे डाउनलोडिंग लिंक आ गए हैं। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एड्स एक नया टैब ओपन होगा ही। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंस्टेंट डाउनलोड पे और आप शायद देख पाएंगे कि अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इस पे हम इंस्टेंट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और वेट करने के लिए बोल रहा है 5 सेकंड, वेट कर लेते हैं। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे और भी टैब्स खुल रहे हैं, उसको आपको क्लोज करना है। ओके, यहाँ पे डाउनलोड सेव करने की पूछ रहा है तो आप सेव कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। ओके, सेव कर लेते हैं और इस तरह से आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद से आपको हम दिखाते हैं कि ये डाउनलोडिंग हो रहा है कि नहीं। एक बार हाँ, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और एक बार चेक करते हैं। ओके, वेट, थोड़ी सी कंप्यूटर स्लो चल रही है। हाँ, आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैक और यहाँ पे बॉलीवुड पे हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही ये बॉलीवुड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो देख पा रहे होंगे शायद सारी की सारी जितनी भी है बॉलीवुड की मूवीज़ आ रही हैं। आप चाहे तो वहाँ पर सर्च ऊपर कर सकते हैं जो भी आपको मूवीज़ चाहिए और सेम टू सेम प्रोसेस है आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड वीडियोस को डाउनलोड करने की। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।